क्या आप जानते हैं 13% जीडीपी ऑफ इंडिया हम लॉजिस्टिक में स्पेंड करते हैं, जो यूएस और जर्मनी के अप्रोक्स डबल है, लेकिन कंट्री साइज के अकॉर्डिंग वो कम है। इसका एक रीजन ये भी है कि लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि लॉजिस्टिक्स में काम क्या होता है और या तो इसका बिजनेस कैसे करते हैं। सो हाय स्टार्टअप पीरियंस, मैं हूँ हीना और इस बार आप लोगों के रिक्वेस्ट पर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। आपको लॉजिस्टिक बिजनेस के इन और आउट्स के बारे में, इंडिया के अकॉर्डिंग लॉजिस्टिक बिजनेस का क्या स्कोप है, इसके सेटअप बनाने के लिए कितना एक्सपेंस चाहिए, इसके रिटर्न क्या है और किन बातों की जरूरी नॉलेज हमें होनी चाहिए, उसके बारे में पता चलेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द लॉजिस्टिक बिजनेस। लॉजिस्टिक एक प्रोसेस है जहां आप प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं और ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसे पैकेजिंग करके डिलीवर करते हैं। अब इस इंफॉर्मेशन के साथ आपको लग रहा होगा कि ये हमें ट्रांसपोर्ट के बारे में बता रहे हैं। डू यू नो ट्रांसपोर्ट बिजनेस लॉजिस्टिक का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। जब भी आप किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से भेजते हैं तो वो होता है ट्रांसपोर्टेशन। पर अगर आप उस सामान को कहीं पे स्टोर करते हैं या तो हैंडलिंग लाइक अ पैकेजिंग करते हैं, वो भी ट्रांसपोर्टेशन के साथ, तो उसे कहते हैं लॉजिस्टिक्स बिजनेस। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एक इंडस्ट्री बताती हूँ जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट बहुत होती है, वो है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। यहाँ फार्मर्स को शीट्स और केमिकल्स की नीड होती है, इसलिए उसकी मूवमेंट्स के लिए उनको किसी की जरूरत होती है। इन गुड्स की मूवमेंट को हैंडल करने के लिए लॉजिस्टिक कंपनी हेल्प करती है। ऐसे और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे ई कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा, जहां गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग टू प्रोड्यूसर एंड प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर और ऐसे वाइस वर्सा चेन चलाने के लिए लॉजिस्टिक बिजनेस की जरूरत होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू सेट अप अ लॉजिस्टिक बिजनेस। वैसे तो इंडिया में बहुत से सक्सेसफुल टाइकॉन्स हैं लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में, जैसे ब्लू डार्ट, महिंद्रा, डिलीवरी, पर इस प्रोसेस को समझने के लिए हम रिवीगो का एक एग्जांपल लेते हैं। स्टेप नंबर 1, डिसाइड बेसिक डिटेल्स। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको लोकेशन और बिजनेस टाइप डिसाइड करना जरूरी है। जैसे कि रिवीगो एक टेक्नोलॉजी अनेबल्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और जिसकी हेडक्वार्टर्स गुड़गांव में लोकेटेड है। स्टेप नंबर 2, नेक्स्ट आता है बिजनेस प्लान और सेटअप, जिसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है नेटवर्क को एस्टैब्लिश करना, और ये नेटवर्क होता है सिटीज का। जिन सिटीज में आप बिजनेस करना चाहते हैं वहाँ या तो आप खुद प्रेजेंट हो या तो किसी की मदद से आप पार्टनरशिप या फ्रेंचाइजी बेसिस पर अपनी प्रेजेंस बनाएं। रिवीगो जैसी कंपनी पैन इंडिया अवेलेबिलिटी रखती है और बिजनेस स्कोप के अकॉर्डिंग इसकी ब्रांचेस मेजर सिटीज में प्रेजेंट है। स्टेप नंबर 3, फंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। क्या आप जानते हैं रिवीगो ने अपने बिजनेस के लिए कितने फंड्स रेज किए थे? अब सारे वॉकिंग के लिए फंड जरूरी है। इन्वेस्टमेंट बूस्टअप होगी या रेस्ट, ये आप पर डिपेंड करता है। लॉजिस्टिक्स के लिए इंडिया में इन्वेस्टमेंट मिलना इजी है। इसके सक्सेस स्कोप को देखते हुए काफी सारे प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स इसमें एक्टिवली इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब बात आती है रिवीगो की। इसने 84.4 करोड़ की फंडिंग रेस करी 2020 में और इंडिया का 25th यूनिकॉर्न बना। स्टेप नंबर 4, रजिस्ट्रेशन। लॉजिस्टिक बिजनेस की रजिस्ट्रेशन दो तरीकों से हो सकती है। सबसे पहला ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस की तरह से और दूसरा कुरियर सर्विस की तरह से। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड एफिलिएशन कुछ गवर्नमेंट बॉडी फॉर्म, जैसे IATA, ACAAI, DGFT रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स डेप्ट, रजिस्ट्रर्स ऑफ कंपनी के थ्रू मिल सकती है। इसके अलावा आपकी और आपके को फाउंडर की फोटोज, वैलिड ID प्रूफ और बिजनेस एड्रेस प्रूफ भी चाहिए होता है। अगर आपको और डिटेल्स जाननी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। अब आप लॉजिस्टिक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फुल रेडी हो, पर बस कुछ बातों को याद रखना जरूरी है। बिजनेस ऑपरेशन रिस्क। लॉजिस्टिक बिजनेस के फुल ऑपरेशन हाई रिस्क पर रन करते हैं। इस लायबिलिटी को कवर करने के लिए आप अपने कस्टमर्स को इंश्योरेंस प्लान ऑफर कर सकते हैं, जैसे कार्गो डैमेज, थेफ्ट, इंजरी, एनवायरमेंटल डैमेज जैसे एस्पेक्ट को सिक्योर किया जाता है। बट ये इंश्योरेंस इन्वेंटरी शॉर्टेज जैसे रिस्क को नहीं मानते, इसलिए हर कॉन्ट्रैक्ट से पहले उसमें इन्वॉल्व हुए रिस्क को जरूर समझें।
एक बात का ध्यान रखें, लॉजिस्टिक का बिजनेस आप क्रेडिट पे करते हो, मतलब 90% पेमेंट आपको काम करने के बाद मिलती है, तब तक आप क्रेडिट बेसिस पर ही काम करते हो। इसीलिए अगर आप बड़ा बिजनेस सेटअप चलाते हैं तो बैकअप में बहुत से फंड होना जरूरी है। लॉजिस्टिक्स की नीड हर सेक्टर में होती है। अगर आप भी अपने रेगुलर क्लाइंट्स बना लेते हैं तो आपको अपनी वर्क फ्लो में फंड रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको आपके प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स कहाँ मिलेंगे, तो उसके लिए आप गुजरात, जयपुर, सिलीगुड़ी और हरिद्वार के साइड भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लॉजिस्टिक बिजनेस में बहुत स्कोप है और ऑलरेडी इस बिजनेस में बड़ी कंपनियां हैं। यदि आप उन्हें कम्पीट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको आपका बिजनेस मॉडल बेटर और थोड़ा इनोवेटिव रखना होगा। जैसे कि रिविको के बिजनेस मॉडल अकॉर्डिंग 24 टू 48 आवर्स में वो डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस वो अपने गुड्स को डिलीवर करते हैं और 90% केसेस में उनके एम्प्लॉय सेम डे अपने होम टाउन वापस आते हैं। नेक्स्ट पार्ट है बिजनेस का मार्केटिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में आप सोशल मीडिया की हेल्प ले सकते हैं। हेल्प के लिए आप डिफरेंट कंपनीज जो स्टार्टअप को मार्केटिंग करने में हेल्प करती है उन्हें भी अप्रोच कर सकते हैं। यदि आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी कंपनीज मिल जाएगी और आप चाहे तो आप हमें भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेटर ऑफ सिचुएशन के लिए वाइडर क्लाइंट बेस से वर्ड ऑफ माउथ एंड हाई स्किल एडवर्टाइजिंग भी कर सकते हैं। ये वीडियो से आपको हेल्प मिली है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही वीडियो और चाहते हैं उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी न्यू वीडियो आप मिस ना करें। अगर आप ऐसी और भी वीडियो चाहते हैं या कोई स्टार्टअप स्टोरी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप थ्राइविंग।